हाय दोस्तों, फॉरेक्स तमिल में आपका स्वागत है। पहला वीडियो पर मैंने आपको एक राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या करके मैंने आपको सिखाया था। तो आज का वीडियो पर मैंने आपको एक फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो हम देखते हैं। तो फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने में ऐसी लगेगा, इसमें 5 कैंडल्स होगा। फर्स्ट और फिफ्थ कैंडल स्ट्रांग बियर कैंडल होना चाहिए और सेकेंड थर्ड और फोर्थ कैंडल बुल कैंडल होना चाहिए। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे फॉर्म होगा कि ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा और ये मिडिल ऑफ द मार्केट में फॉर्म होगा। जब भी ये डाउन ट्रेंड आते समय उसमें मिडिल में फॉर्म होगा। तो जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये कन्फर्मेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा करके। तो ये कैंडल में देखो, ये स्ट्रांग बियर कैंडल में यही है ओपन और यही है क्लोज। तो ये क्लोज आने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक गैप अप नहीं तो गैप डाउन में ओपन हो सकते हैं। तो इधर में यही है ओपन और यही है क्लोज, और थर्ड कैंडल में एक गैप अप नहीं तो गैप डाउन में ओपन हो सकते हैं, यही है ओपन और यही है क्लोज। और फोर्थ कैंडल में भी एक गैप अप नहीं तो गैप डाउन में ओपन हो सकते हैं। तो ये कैंडल में यही है ओपन और यही है क्लोज। तो फिफ्थ कैंडल में एक स्ट्रांग बियर कैंडल होना चाहिए और इसमें गैप डाउन ओनली ओपन होना चाहिए। तो इसके क्लोज होने के बाद गैप डाउन ओनली ओपन होना चाहिए। तो यही है ओपन और यही है क्लोज। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि पहला बियर स्ट्रांग था और बियर स्ट्रांग होने के बाद बुल्स कंट्रोल में था, तो 3 बुल कैंडल फॉर्म हो गया। और इसके बाद बियर अगेन कंट्रोल करके कैंडल को पूरा नीचे आके इधर आके क्लोज कर दिया। तो ये 5 कैंडल में फिफ्थ कैंडल का लो ही है, मैक्सिमम लो होना चाहिए। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि ये लो है, मैक्सिमम लो। और दूसरा चीज, ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल का लो फिफ्थ कैंडल का लो को क्रॉस नहीं होना चाहिए, और ये थर्ड कैंडल का लो सेकंड कैंडल का लो को क्रॉस नहीं होना चाहिए, और फोर्थ कैंडल का लो थर्ड कैंडल का लो को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हाई में भी ये फर्स्ट कैंडल का हाई ही है, मैक्सिमम हाई होना चाहिए। तो ये 5 कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई ही है, मैक्सिमम हाई होना चाहिए। तो ये फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं होना चाहिए, और थर्ड कैंडल का हाई फोर्थ कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं होना चाहिए, और ये सेकेंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन मीट करना जरूरत है, तभी तो इसको हम फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न हम कह सकते हैं। तो ये फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें 5 कैंडलस्टिक होना चाहिए, फर्स्ट और फिफ्थ कैंडल एक स्ट्रांग बियर कैंडल होना चाहिए और इसका बॉडी बड़ा होना चाहिए, और ये सेकंड थर्ड और फोर्थ कैंडल एक बुल कैंडल होना चाहिए। तो इसमें बॉडी और विक जैसे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका हाईस और लोस तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये जरूरत है। तो जब भी एक बियरिश कैंडल फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा करके, और ये एक साइन ऑफ कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा करके। और ये कहां से फॉर्म होगा कि मिडिल ऑफ द मार्केट में फॉर्म होगा। तो ये 5 कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई ही है, मैक्सिमम हाई होना चाहिए, और फिफ्थ कैंडल का लो ही है, मैक्सिमम लो होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल्स दूंगा, ये मैं एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू से मैं निकाला था। तो ये एग्जाम्पल देखो, ये यूरो JPY है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में ये फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न फॉर्म हो गया। तो इसके बाद आपको देख सकते हैं कि मार्केट रेंज में जा रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट और फिफ्थ कैंडल स्ट्रांग बियर कैंडल होना चाहिए, और सेकंड थर्ड और फोर्थ कैंडल बुल कैंडल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ही है, मैक्सिमम हाई होना चाहिए, और फिफ्थ कैंडल का लो ही है, मैक्सिमम लो होना चाहिए। तो इसमें देखो, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये थर्ड कैंडल का हाई फोर्थ कैंडल का हाई को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का हाई को तोड़ना नहीं चाहिए। और लो में भी देखो, ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल का लो फिफ्थ कैंडल का लो को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये थर्ड कैंडल का लो सेकंड कैंडल का लो को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये फोर्थ कैंडल का लो थर्ड कैंडल का लो को तोड़ना नहीं चाहिए। ये पूरा कंडीशंस मीट करना जरूरत है। और दूसरा चीज इसमें देखो, ये सेकंड कैंडल का बॉडी बड़ा है,
और थर्ड कैंडल का विक बड़ा है। तो विक और बॉडी जैसे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका आइस और लोस तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये एग्जांपल देखो, ये जीबीपी जेपी वही है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि एक डाउन टर्न में ये फॉलिंग थ्री मेथड फॉर्म हो गया। तो इसके बाद आपको देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है पूरा। तो इसमें भी देखो, फर्स्ट कैंडल और फिफ्थ कैंडल स्ट्रांग बियर होना चाहिए, और ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ कैंडल बुल कैंडल होना चाहिए, और ये फर्स्ट कैंडल का हाई ये मैक्सिमम हाई होना चाहिए, और फिफ्थ कैंडल का लो ये मैक्सिमम लो होना चाहिए ये पांच कैंडल में। और इसमें भी विक और बॉडी कैसे भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो बॉडी बड़ा है और इसमें देखो विक बड़ा है, लेकिन इसका हाईस और लोस को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी हम रिकैप करेंगे ये वीडियो पर हमने क्या सीखा करके। तो फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब एक बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें पांच कैंडलस्टिक होना चाहिए, फर्स्ट और फिफ्थ कैंडल एक स्ट्रांग बियर कैंडल होना चाहिए, और इसका बॉडी बड़ा होना चाहिए, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ कैंडल बुल कैंडल होना चाहिए, और इसमें बॉडी और विक कैसे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका हाईस और लोस तोड़ना नहीं चाहिए। और जब भी ये फॉर्म होगा इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक साइन ऑफ कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा करके। और ये पांच कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई ही है मैक्सिमम हाई होना चाहिए, और फिफ्थ कैंडल का लो ही है मैक्सिमम लो होना चाहिए। तो ये वीडियो पर आपको मालूम होगा एक फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या करके। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो पर मैंने आपको एक स्क्रिल अकाउंट कैसे ओपन करना करके मैंने आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला वीडियो पर हम देखेंगे। धन्यवाद।